नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म इटोरियन मंच से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेट्स नो सीरीज की 68 वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता क्या है, ये पहले समझ लेते हैं। तो पब्लिक के इंटरेस्ट में, लोगों के, आम लोगों के इंटरेस्ट में, अनप्रिविलेज्ड लोगों के इंटरेस्ट में, जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके इंटरेस्ट में, पुअर लोगों के इंटरेस्ट में जब कोई पिटीशन फिल किया जाता है कोर्ट में, उसको ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोला जाता है। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये यूएस से आया था। यूएस 1960 के दशक में क्या हुआ था कि ऐसी एक मार्केट थी जो कि सबकी जरूरतें तो पूरा कर दे रही थी, लेकिन जो आम लोग थे, जो अन्य लोग थे, जो पिछड़े हुए लोग थे, उनको जो ये फैसिलिटीज थी, इंटरेस्ट था लाभ उठाने का, वो लोग नहीं उठा पा रहे थे ना, इसलिए इसका उत्पत्ति हुई यहाँ से 1960 में, यहाँ से यूएसए में। दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस पूरे लेक्चर में डिस्कस क्या क्या चीजें होंगी, ताकि इससे क्या होगा कि माइंड मैप बहुत जल्दी क्रिएट हो जाएगा और आज आप लोग माइंड मैपिंग कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद ये प्रोसीजर होता है, ऐसे होता है, तो आपको समझने में क्या होगी, आसानी होगी। तो ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये PIL का इंट्रोडक्शन सुनेंगे, कैसे क्या हुआ, मीनिंग ऑफ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मीनिंग समझेंगे, इसका उद्देश्य समझेंगे कि उसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है किसी चीज का होना, इसके कुछ फीचर्स समझेंगे। जैसे कि आप कोई मोबाइल ला रहे हैं, ठीक है, तो उसका फीचर्स होता है ना कि इसमें 50 मेगापिक्सल कैमरा है, 5000 एमएच की बैटरी है, फ्रंट कैमरा है उसमें, ठीक है, ये सब चीजें उसकी फीचर्स हैं। तो ये होगा, इसके फीचर्स सुनेंगे, मतलब इसमें सिग्निफिकेंस, एक प्रकार से सिग्निफिकेंस का इम्पोर्टेंस समझेंगे, और इसका स्कोप क्या है, PIL का स्कोप क्या है। तो जैसे स्कोप क्या है, मतलब कि जैसे कि मान लो एक मोबाइल दे रहे हो आप, तो मोबाइल से बस केवल कॉल तो नहीं कर सकते हो, एक केवल कॉल तो नहीं करते कि बस मोबाइल ले लिए तो बस कॉल करना, नहीं, मोबाइल से आप सर्च कर सकते हो, कुछ भी, यूट्यूब चला सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, इंस्टाग्राम चला सकते हो, कुछ भी, मतलब टाइपिंग कर सकते हो, कुछ भी, मतलब जो कुछ भी होगा स्कोप, मतलब, ठीक है, समझ में आ गया स्कोप का मतलब। तो उसी प्रकार PIL जो होता है, PIL सिर्फ एक डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए, लोग के लिए नहीं होता है, डिप्राइव्ड मतलब जो वंचित लोग होते हैं उनके लिए ही नहीं होता है, ठीक है, इसका स्कोप बहुत बड़ा है। आप कोई भी वंचित लोग है उनके लिए भी हो सकता है, जिसको इंटरेस्ट नहीं मिल पा रहा है सरकारी लाभ का, वो भी पिटीशन दायर करके वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, बहुत कुछ है इसका स्कोप। स्लाइड में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। तो इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और डेवलप्ड हुआ, यूएसए में 1960 में, ठीक है। टू, इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट जो ओरिजिनेट हुआ ना, वो कॉन्सेप्ट उस टाइम क्या था, टू प्रोवाइड लीगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रीवियसली अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट। तो उनको क्या करना है, लीगल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना, किसको, जो अनरिप्रेजेंटेड लोग हैं, जिनको, मतलब आपके गांव में, कस्बे में जब कोई एक सबसे छोट लोग, सबसे मतलब कमजोर सेक्शन है, जो मान लीजिए कि SP मान लो कोई है, जो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है खुद को, एक एग्जांपल के तौर पर बात कर रहा हूं मैं, तो उसको आप इम्पावर कर रहे हैं, ठीक है, कि वो अपना वोट का अधिकार समझे, वो अपने जो राइट्स हैं उसको मांग सके सरकार से, ठीक है, वो उसका फ्री ऑफ एक्सप्रेशन हो सके, ठीक है, ये सब चीजों को क्या करना, उनको रिप्रेजेंट करना लीगली, यही इस समय 1960 में इसका कॉन्सेप्ट था। इंडिया में इसका कॉन्सेप्ट कब आया, कैसे आया, तो इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1980 में, मतलब 20 साल के बाद, जब यूएसए में हो गया उसके 20 साल के बाद इंडिया में इसका इंट्रोड्यूस हुआ, और उसमें जस्टिस V.R. कृष्णा अय्यर एंड जस्टिस P.N. भागवती वेयर द पियोनियर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL। देखो, उस समय के जो जस्टिस थे V.R. कृष्णा अय्यर और P.N. भागवती, इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या हुआ, PIL का कॉन्सेप्ट इंडिया में ओरिजिनेट किया, और इसको और भी नाम से जाना जाता है, सोशियल एक्शन लिटिगेशन बोला जाता है, सोशियल इंटरेस्ट लिटिगेशन बोला जाता है,
और क्या है वो क्लास एक्शन लिटिगेशन भी बोला जाता है। ठीक है, मीनिंग क्या है, पीआईएल का मीनिंग समझेंगे अगर, तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो एक ऐसा है लीगल एक्शन, एक वैध एक्शन किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा लागू किया जाता है, किसके हित में, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मतलब लोगों के हित में, वो जनरल इंटरेस्ट यानी यहाँ पर कोई एक स्पेशल लोग नहीं होंगे, ठीक है, वो जनरल भी हो सकता है, पब्लिक लोग मतलब सबके हित में, इन विच द पब्लिक और अ क्लास ऑफ कम्युनिटी हैज पेकुनियरी इंटरेस्ट। और जिसमें क्या होता है कि जो पब्लिक होते हैं, जो लोग होते हैं, जो कोई कम्युनिटी होती है, ठीक है, उसका जो एक इम्पोर्टेंस जो मतलब महत्वपूर्ण इंटरेस्ट जो लाभ होता है, और सम इंटरेस्ट बाई विच देयर लीगल राइट्स और लाइबिलिटीज आर अफेक्टेड, और जिसके द्वारा क्या होता है उनका अधिकार, लीगल राइट्स जो होते हैं और लाइबिलिटीज आर अफेक्टेड जो प्रभावित होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वही लागू करता है, इनिशिएट करता है क्या कोर्ट, उसी को क्या बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, पर्पस क्या है इसका, उद्देश्य क्या है, तो विंडिकेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ को स्थापित करना ही क्या है इसका एक उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य क्या है, फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस टू द सोशली, सामाजिक तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर जो भी वीकर है सोसाइटी में उनको क्या करना है, न्याय दिलाना है। ठीक है, प्रभावी न्याय दिलाना है। और क्या है तीसरा, क्या है इसका उद्देश्य, मीनिंगफुल रियलाइजेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, तो जो आपके राइट्स हैं, जो आपके अधिकार हैं, जिसको आप नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते हैं, तो पीआईएल के थ्रू आप उसको जान सकते हैं। ठीक है, ये है आप अपने जो अधिकार है आपके उसका इम्पोर्टेंस उसको समझना होगा, उसके महत्व को आपको समझना, समझने के लिए ही पीआईएल होता है। फीचर्स में देख लेंगे, ये क्या है, एक स्ट्रेटजिक आर्म लीगल एड है, मतलब एक ऐसी वैधानिक संस्था, एक ऐसा हथियार है जो क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है जस्टिस, गरीबों को प्रोवाइड करता है। ठीक है, हु आर अवे फ्रॉम द लॉ फिजिबिलिटी एरिया ऑफ कम्युनिटी, जो मानवता के इस लॉ में, नियम में क्या हम पीछे छूट जाते हैं, पीछे पिछड़ जाते हैं, उनको क्या करना है, जस्टिस प्रोवाइड करना ही है, नॉट फॉर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इट इज फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। और यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट क्या है, यह केवल एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, जैसे कि आप, आपका कोई जमीन है, ठीक है, आपकी जमीन अगर कोई कब्जा कर ले रहा है तो आप पीआईएल नहीं दायर कर सकते हैं। अगर एक कम्युनिटी का हो गया, आपके एक गांव, पूरे गांव का कोई जमीन कोई एक्वायर कर लिया, आप जैसे कि इन्वायरमेंट को लेकर है कि आपका इन्वायरमेंट सबका इन्वायरमेंट है, ठीक है, तो इन्वायरमेंट में अगर जब कोई छेड़खानी कर रहा है तब आप पीआईएल दायर कर सकते हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट जहां पर लोगों, आम लोगों का भी हित हो, वहां पर भी पीआईएल दायर हो सकता है। और क्या है, इट इज फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर कोई संविधान का क्या कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, ठीक है, लीगल राइट्स का वायलेशन कर रहा है, लार्ज नंबर ऑफ पुअर, इग्नोरेंट, इन सोशली, इकोनॉमिकली अननोटिस एंड अनड्रेस्ड पीपल का जो अधिकार होता है, उनके लीगल राइट्स होते हैं, उनका जब कोई वायलेशन करता है ना, तब जाके ये पीआईएल फिल किया जाता है। स्कोप में देख लेंगे कि इसमें स्कोप में क्या है, बॉन्डेज लेबर चिल्ड्रेन, जो बंधुआ मजदूर होते हैं, बंधुआ मजदूर बच्चे जो होते हैं, उनके हित के लिए, उनको छुड़ाने के लिए, जैसे आप लोग देखते होंगे गांव में, शहरों में ईट वाले भट्टों के पर छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, वहां से हटाना, तब जाके ये होता है। निग्लेक्टेड चिल्ड्रेन, ऐसे बच्चे जो जिनको कोई ध्यान नहीं देता, उनके हित में पीआईएल फिल किया जाता है, सरकार आप ही कुछ कर लो। ठीक है, पिटीशन अगेंस्ट पुलिस फॉर रिफ्यूजिंग एफआईआर, अगर कोई पिटीशन तब फिल किया जाता है पुलिस अधिकारी के खिलाफ, जब वो आपका एफआईआर नहीं फिल करता है, आपके साथ मिसबिहेव करता है, टाइमली वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करता है अपने आप को। ठीक है, ये सब चीजें। और पिटीशन अगेंस्ट एट्रोसिटीज ऑन वीमेन, वीमेन को जो हरासमेंट होता है, वीमेन का मतलब जो भी वीमेन को लेकर टाइम उसको आप अब्यूज कर रहे हैं, ठीक है, इन सब चीजों पर क्या होता है पीआईएल फिल होता है। पिटीशन फ्रॉम रियोट विक्टम, जो उपद्रवी होते हैं ना उन पर क्या होता है पिटीशन फिल होता है। फैमिली पेंशन को लेकर आप पीआईएल फिल कर सकते हैं। पिटीशन पर्टेनिंग टू सेव 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 प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, आप उस टाइम भी अगर
जब इन्वायरमेंट की बात आएगी, इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए, बचाने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए, उसको सुरक्षा देने के लिए, संरक्षण करने के लिए, उस टाइम भी आप पिटीशन फिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है योगेश यादव चिराग, फेसबुक आईडी है योगेश यादव चिराग। आप लोग इस पर मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टुडे। थैंक यू।